सोनभद्र के शक्तिनगर थाना क्षेत्र के खड़िया एनसीएल में धरने को कवरेज करने के बाद गेट है, यहाँ पर हम लोग आज इसलिए सामूहिक रूप से आमरण अनशन पर बैठे हैं कि यहाँ के क्षेत्रीय लोगों को जो काफ़ी संख्या में बेरोजगार हैं, यहाँ पर कोयला परियोजना खड़िया में बीजीआर कंपनी काम कर रही है, जो अन्य प्रांतों के बेरोजगारों को ले आकर यहाँ पर काम करा रही, उनसे उनको नौकरी में रख रही है, यहाँ के लोगों की घोर उपेक्षा की जा रही है। ऐसे हालात में पिछले 24-25 अप्रैल से लगातार आंदोलन चल रहा है कि बीजीआर कंपनी प्राथमिकता के आधार पर 60% लोगों को पहले कंपनी यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के बेरोजगारों को, यहाँ के कुशल संविदा श्रमिकों को कंपनी रखे। और यह संघर्ष बहुत सुल पकड़ चुका है, काफ़ी लोगों में यहाँ आक्रोश है। अगर यह मामला इतना संवेदनशील हो चुका है कि इस मामले को लेकर के क्षेत्र का बेरोजगार आर और पार की लड़ाई के मूड में है कि पहले यहाँ के बेरोजगारों को किसी भी हालत में नौकरी में ले, तभी उनके कामकाज को चलने लगे। किस टाइप का हड़ताल है, मतलब कितने लोग बैठे होंगे? सामूहिक भूख हड़ताल पर एक साथ 50 लोग भूख हड़ताल पे हैं। 50 प्रशासन कोई यहाँ पे प्रशासन के लोग अगल बगल में हैं, प्रशासन की जानकारी तो है, उनको एक सप्ताह पूर्व निश्चित रूप से सूचना दी गई है, सारी जानकारियाँ हैं। और प्रशासन ने आज ही न जाने कौन सी ऐसी आफत आ गई कि मेरे आंदोलन को देखते हुए धारा 144 लगा दिया। आज जिला प्रशासन ने कल शाम से ही हमारे आंदोलन को देखते हुए धारा 144 लगा दिया, लेकिन हमारे आंदोलन की मैं एफिडेविट ये सूचना पूरे भारत सरकार से लेकर जिला प्रशासन को है और कोल इंडिया को है। ऐसे हालात में हमारी जो सूचना एक सप्ताह पूर्व है, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम जब मैं एफिडेविट दिया जाता है तो धारा 144 में सम्मिलित नहीं होता। परियोजना प्रबंधक से कोई बात हुई? नहीं, कोई बात नहीं हुई। तो अभी कब तक बैठने का आपका? जब तक ये इस समस्या का निदान नहीं होता तब तक बैठेंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। एनसीएल के जीएम का वर्जन जानने के लिए जब पत्रकार खड़िया जीएम ऑफिस पहुंचे तो वहां कोई कर्मचारी अपने कुर्सी पर नहीं मिला। जब पत्रकारों ने खाली कुर्सी की रिकॉर्डिंग शुरू की तब परियोजना के और कर्मचारी तू मैं करने लगे। तब सभी पत्रकारों ने कहा कि सभा कक्ष में बैठकर इंतजार कर रहे हैं, तो कुछ देर बाद दो कर्मचारी आकर फिर तू मैं करने लगे। जब पत्रकारों ने रिकॉर्डिंग शुरू की तो धमकी देते लहजे में कर्मचारियों ने कहा डिलीट करो नहीं तो बता दूंगा। ये डिलीट करो नहीं करिए, मैंने कहा तो बंद हो जाओ डिलीट। आप नहीं कह सकते हम उनसे, आपका काम हमें खबर देना, जानकारी देना। देखिए जानकारी देने की हमारी कंपनी खैर कुछ पत्रकारों के बीच बचाव के बाद मामला शांत हुआ। सभी पत्रकार परियोजना के बाहर आ गए। कुछ देर बाद एक फोन आया जिसमें धमकी देते हुए कहा गया कि बाहर आए नहीं तो खैर नहीं होगी। फिलहाल पत्रकारों में आक्रोश है, फिलहाल दोनों तरफ गर्मा गर्मी का माहौल बना हुआ है।